नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UPSC Aspirant Vision में। और आज हम डिस्कस करेंगे UP स्पेशल पेपर 6 के लिए ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि रहने वाला है हमारा क्लाइमेट के ऊपर। देखिए, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट की बात करते हैं तो देखेंगे कि अगर हम इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड प्रेसिपिटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक रीजन के क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बात करेंगे तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हम देखेंगे वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, मीन टेम्परेचर कैसा रहता है, प्रेशर वहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी की कंडीशंस क्या रहती हैं वहाँ पर, विंड जो है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, कितनी स्पीड से फ़्लो कर रही है, किस टाइम पीरियड में फ़्लो करता है, किस टाइम पीरियड में उसकी स्पीड तेज़ है या कम है, ये सब चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। रेनफॉल वहाँ पर कितने हो रही है, प्रेसिपिटेशन के बारे में वहाँ पर देखा जाता है। तो अगर हम क्लाइमेट कंडीशन की बात करते हैं किसी रीजन के बारे में तो हमें ये सब चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक छोटी सी मैं डिफरेंस क्रिएट मतलब बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। तो मुझे लगता है वैसे कि सब लोग ये जानते ही होंगे, लेकिन एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है। देखिए, एलिमेंट इसमें भी वही हैं और क्लाइमेट में भी वही हैं, लेकिन बात क्या होती है, जब हम वेदर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि भाई एक कोई जगह पर, एक कोई रीजन पर एक स्लाइट चेंज, जो कि हो सकता है कि भाई एक दो दिन के लिए हम कहते हैं कि भाई वेदर चेंज हो गया है, आज जो है वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे करके जो एक दो दिन के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो चेंज होता है उसे हम वेदर बोलते हैं। और एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक रीजन पर रहने वाली जो कंडीशंस हैं, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेसिपिटेशन, इन सब को ध्यान में रखते हुए जो कंडीशंस को हम मानते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यूपी स्पेशल के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर यूपी के रीजन से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हमें वो देखनी होंगी। तो देखिए, अगर हम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो अगर हम जो क्लाइमेट पढ़ते हैं, अगर वर्ल्ड लेवल पर हम क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि अर्थ को अगर हम हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन जो है उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में हम जाएंगे तो एक ट्रॉपिकल रीजन बन जाता है। उसके ऊपर जो है वो टेम्परेट रीजन है। और जैसे जैसे आप यहाँ से ट्रॉपिकल रीजन से दूर चलते जाएंगे, टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा, रीजन जो है वो अलग अलग नाम से जो है जाने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो पोलर रीजन है, यहाँ पर टेम्परेट रीजन है, यहाँ पर हम इसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो ये जो है क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है वो, उसे पढ़ने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए हमने ऐसे करके उसे डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए, अगर हम क्लाइमेटिक जो हमने एलिमेंट्स देख लिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके फैक्टर्स की कि भाई वो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक रीजन में डिफाइन करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स, जैसे कि भाई जो रीजन है वो किस लैटिट्यूड में है, किस ऑल्टीट्यूड में है, उसके रिलीफ फीचर्स क्या हैं रीजन के, प्रेशर वहाँ पर कैसा है, विंड सिस्टम कैसा है, और सी से डिस्टेंस क्या है उसका, ओशियन करंट्स, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं, मान लीजिए ये अर्थ है। अब इसमें देखिए कि अगर हम इंडिया की बात करें तो ये 0 डिग्री है, तो इंडिया जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है। ठीक है, और यूपी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर लाई कर रहा है। तो अब जब ये जो रीजन्स हैं अलग अलग, जो डिफरेंट लेटीट्यूड्स पर जब लाई करेंगे, तो उसकी वजह से क्या उनके टेम्परेचर में, उनके ये सब जो कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनमें आपको बदलाव जो है वो देखने के लिए मिलेगा। कोई कुछ प्लेस जो कि, कोई प्लेस जो मान लीजिए यहाँ पर लोकेटेड है इस लेटीट्यूड में, तो वहाँ पर आपको अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी। ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने इधर का क्लाइमेट अलग पढ़ लिया, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करें, यहाँ के आपने कंडीशन अलग पढ़ ली। तो कोइपन करके एक जो ज्योग्राफर रहे हैं, उन्होंने क्या है कि क्लाइमेट का जो है क्लासिफिकेशन दिया, जिसे हम कोइपन क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें मैं अभी, ये तो एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसे पढ़ने के लिए अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे देखिए इन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए ये अर्थ है, तो इन्होंने क्या किया है कि इसे ऐसे डिवाइड किया है, 5 जो डिविजन्स हैं कोड मतलब इन्होंने दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन में, तो इन्होंने 5 बेसिकली डिवीजन बनाए हुए हैं, ए बी सी डी ई एंड एच। तो इन्होंने क्या किया है कि 4 को, ए सी डी और ई को, ऑन दी बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया है, बी को उन्होंने प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया है, एच होता है हाईलैंड वाला एरिया। तो अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा टॉपिक जो है, लेकिन अगर थोड़ा सा ब्रीफ में समझें तो देखिए,
कि भाई मान लीजिए ये इक्वेटोरियल बेल्ट है, अब यहाँ से जो है वो क्या हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया। इसके ऊपर मान लीजिए इसे इन्होंने नाम दे दिया ए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई इसे नाम दे दिया सी, कि भाई ये वार्म टेम्परेट है सी वाला। इसके ऊपर जो है वो आपका हो जाएगा और ज़्यादा कोल्ड, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट जो क्लाइमेट आपका होता है यहाँ पर डी, और उसके बाद आपका आ जाता है ई, जो ये पोलर वाला रीजन जो है वो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर बनती हैं। तो ऐसे करके जो है कि कोइपन ने क्लासिफिकेशन दिए हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग रीजन्स के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। तो भाई ये जो है कोइपन्स क्लासिफिकेशन, इसे मैं एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा आपके लिए। अभी हम क्या है यूपी के बारे में हमें स्पेसिफिक पढ़ना है। तो अगर हम यूपी से रिलेटेड बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई एक आरएल सिंह जो हैं बहुत रिनोन एक प्रोफेसर रहे हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने यूपी के क्लाइमेटिक रीजन्स को ऐसे डिवाइड किया है। देखिए तो अगर हम पहले रीजन की मतलब क्लाइमेटिक जो रीजन की उनकी बात करें तो वो है सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये वाला इसका जो रीजन है वो देखिए अपर गैंजेटिक प्लेन वाला जो रीजन है, ये गैंजेटिक जो प्लेन वाला रीजन है ऊपर वाला, वो यहाँ पर जो मीन टेम्परेचर जो रहता है जुलाई में वो 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिलेगा। जनवरी में जो टेम्परेचर है वो आपको 17 से 25 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाली है, कि भाई आपका 0 डिग्री टेम्परेचर या फिर 5 डिग्री टेम्परेचर सर्दियों में हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। गर्मियों में आप देखिए 25 से आपका 40 डिग्री तो गर्मी तो यहाँ पर आपको मिलेगी। एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर आपको एनुअल रेनफॉल मिलेगी। अब दूसरा अगर हम क्लाइमेटिक जो रीजन है उसके बारे में बात करेंगे तो वो है सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। देखिए ये कहाँ पर है, ये आपका जो ईस्टर्न वाला जो उत्तर प्रदेश है, जो ईस्टर्न जो पार्ट है आपका उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। यहाँ पर आपको रेनफॉल मिलेगी 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। एवरेज टेम्परेचर अगर हम बात करें जुलाई में तो देखिए वही सेम लगभग है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस, और जनवरी में तो आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो आपको कम मिलेगा। वहाँ पर आपको 17 डिग्री सी जो था आपका मिनिमम, और यहाँ पर जनवरी में आपको 10 डिग्री सी तक जा सकता है टेम्परेचर। तो ये कहाँ की बात हो रही है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट, और यहाँ पर क्या है, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब देखिए ह्यूमिड साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें भाई, तो इसमें क्या है, जो सदर्न पार्ट है आपका यूपी का, तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा। जैसे कि आपका ये बघेलखंड प्लेटू वाला जो आपका रीजन है, सोनभद्र वाला जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको ये टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पर जो अगर हम जुलाई में जो टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर मिलेगा। तो ऐसा मतलब 35 ठीक है, आप 40 के बाद 48 49 तक आपका यूपी में जो है वो आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जनवरी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 12 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगा। कहाँ की बात हो रही है, सदर्न यूपी की बात हो रही है, ह्यूमिड साउथ ईस्ट इसका क्लासिफिकेशन का नाम है। एवरेज एनुअल रेनफॉल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश आपको देखने को मिल जाती है। सेमी एरिड ट्रॉपिकल अगर आप टाइप की बात करते हैं तो ये जो आपका है सेमी एरिड, वो आपको मिलेगा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। अब ललितपुर कहाँ पे आता है आपका, ये वाला रीजन जो है वो है बुंदेलखंड वाले प्लेट्यू में आपका आता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, टेम्परेचर जो है वो आपको काफ़ी मिलने वाला है, 26 से 40 डिग्री है इसमें। अगर आप बुंदेलखंड वाले रीजन में आप झांसी जालौन या आप थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, यहाँ पर आपका महोबा, ये बांदा है ना, हमीरपुर, ये वाले जो रीजन है यहाँ पर आपको मतलब आप समझिए कि भाई 48 और 49 तक जो है वो 49 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर गर्मियों में आपको मिल जाता है। और अगर आप एवरेज जो टेम्परेचर जनवरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 15 डिग्री सी से 28 डिग्री सी तक टेम्परेचर मिलता है। अब देखिए तो ये आपका हो गया सेमी एरिड ट्रॉपिकल रीजन, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका यूपी में, यहाँ की बात हो रही है। सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न बॉर्डर है यहाँ पर ही आपका गाज़ियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, शामली, सहारनपुर, ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ पर आपको सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पर आपको रेनफॉल जो है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक मिलेगी। एवरेज जो टेम्परेचर है वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक आपको मिलेगा।
एवरेज टेम्परेचर इन जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और मुझे नहीं लगता कि भाई इतना ज़्यादा जो डेटा है वो आपको कहीं मेंशन करने की नीड भी होगी, लेकिन हाँ आपको एक ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है जो आरएल सिंह ने दिए हैं टेम्परेचर यूपी में कैसे कैसे जो क्लाइमेटिक रीजन्स मतलब डिवाइडेड है यूपी, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई सब एरिड जो है वो ये वाले रीजन में आता है ऐसे करके। अब अगर देखिए बात करते हैं फैक्टर जो हैं वो जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को यूपी के स्पेसिफिक अगर हम बात करें, देखिए अगर हम लैटिट्यूड की बात करेंगे तो अगर हम देखते हैं कि यूपी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के भी नॉर्थ में लोकेटेड है, तो उसकी जो लैटिट्यूशनल पोजीशन है वो उसकी वजह से क्या होता है कि यूपी में हमें एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो हमें देखने के लिए मिलती है कि भाई गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, 49 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। सर्दियों में आप देखेंगे भाई 4 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर जो है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं यूपी में। अब देखिए जैसे आप देखेंगे कि भाई जो ये पेनिनसुलर वाला पार्ट है आपका इंडिया का, अब सी से जब जो भी रीजन है अगर वो सी से दूर हो जाएगा तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होंगी। जो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ मुंबई है, यहाँ पर आपका केरला है, तमिलनाडु है, चेन्नई वाला जो रीजन है, तो अब जो ये वाले जो रीजन्स हैं वो जो सी के पास हैं वहाँ पर जो है आपको क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अलग देखने को मिलती हैं। अब देखिए जैसे हम कहते हैं कॉन्टीनेंटैलिटी इफेक्ट, तो उत्तर प्रदेश इज़ एट अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सी से जो है उत्तर प्रदेश काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से हमें जो है वो मॉडरेटिंग इफेक्ट वहाँ पर जो है देखने के लिए नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हिमालयस का जो प्रेजेंस है, अब ये देखिए ये यहाँ पर हमारा यूपी जो है वो लोकेटेड है, ये वाले रीजन में यूपी लोकेटेड है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो हिमालयस की वजह से आपको क्या है कि पहली बात तो जो सेंट्रल एशियन से जो कोल्ड आपको हवाएँ आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा शीत हवाएं जो आ रही हैं वो आपको हिमालय जो है वो उसको रोक लेता है। तो हमारे इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई बर्फ़ जो ऊपर नॉर्थ वाला रीजन है आप यूपी वाला जो रीजन है वो आपको यहाँ पर बर्फ़ मिलेगी आपको। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ हिमालयस इन द नॉर्थ प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशियन टू एंटर्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई जो विंटर्स हैं उत्तर प्रदेश में वो जो है वो माइल्डर रहती हैं एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। अब प्रेशर एंड विंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि भाई क्या होता है कि गर्मियों वाले टाइम में होता क्या है कि भाई जो लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो वो क्या करता है कि भाई हवाओं को अट्रैक्ट करता है लो प्रेशर, कि भाई ये मान लीजिए इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पर टिब्बत वाला प्लेट्यू है, ये जो है वो टिब्बतन जो हाईलैंड है ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है गर्मियों में, जिसकी वजह से हवाएँ जो है वो आपकी यहाँ पर अट्रैक्ट होती हैं, और इसी की वजह से हम जो है वो साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारे इंडिया में आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। देखिए तो हमने क्या है कि भाई फैक्टर्स हमने देख लिए हैं कि भाई फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ उत्तर प्रदेश को। अगर हम सीजन्स की बात करें तो भाई जो इंडिया में जो आपको सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं चार सीज़न इंपॉर्टेंट, वो आपको क्या है यूपी में भी देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से हैं, कोल्ड वेदर सीजन जो है वो मिड नवंबर में आपका स्टार्ट होगा, मंथली टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस से कम होने वाला है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है ऑफ़ दी स्टेट आर दी कोल्डेस्ट, तो भाई यूपी का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडे रहते हैं, हाई प्रेशर कंडीशन जो है एग्जिस्ट होती हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया भाई जब लो प्रेशर कंडीशन होंगी समर में होती हैं लो प्रेशर कंडीशन, और फिर ये ग्रेजुअली क्या है धीरे धीरे कंडीशन जो है बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि भाई साउथ वेस्ट मानसून जो है वो अट्रैक्ट होता है, यहाँ पर जो विंड्स हैं अट्रैक्ट होती हैं तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून को वो लेकर आती हैं। अब जब हाई प्रेशर कंडीशन होगा तो वहाँ पर क्या है कि भाई आपको सर्दियों वाले रीजन में ये हाई प्रेशर कंडीशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब इस टाइम पर क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ ब्रॉड बाय दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग दिस सीजन, तो भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज के कारण यहाँ पर आपको सर्दियों में कुछ अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलती है कोल्ड सीजन में। हॉट वेदर सीजन की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि भाई ये मार्च से स्टार्ट होता है और मिड जून तक आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा, और सन की जो पोजीशन है वो क्या है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो है वो मूव कर जाती है। भाई यही तो सिस्टम होता है जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है ना कि भाई मान लीजिए ये सन है, ठीक है, अब इसकी जो किरणें हैं वो पड़ रही हैं, अब अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, तो जब अर्थ की पोजीशन जो है वो अलग अलग जगह पर होती है, मान लीजिए पहले आपका अर्थ यहाँ पर है इक्वेटोर पे, इक्वेटोरल जो आपका रीजन है ट्रॉपिक वाला जो रीजन है वहाँ पर आपका डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है, जब अर्थ की पोजीशन थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी, जब मान लीजिए अर्थ की पोजीशन यहाँ पर आ गई
तो क्या होगा कि भाई जो रेज हैं ये डायरेक्टली उस पर नहीं पड़ेंगी। मान लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ पड़ने लग रही हैं, यहाँ पर ये 0 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तब ये जब यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या है कि आपको गर्मी वाला जो टाइम है वो आपका आ जाएगा। तो हॉट वेदर सीजन में क्या है कि सन जो है वो अपेरेंटली मूव टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था भाई, बुंदेलखंड प्लेटी जो है वो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई बांदा जो आपका ज़िला है बुंदेलखंड में, वहाँ पर आपको 49.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लो प्रेशर कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया जब भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है सन के कारण, तो भाई लो प्रेशर बन जाता है, हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ राइज़ कर जाती हैं, हॉट एयर राइजेस अप, तो यहाँ पर क्या प्रेशर जो है हवा का वो कम हो जाता है। एंड देखेंगे कि भाई हॉट एंड ड्राई बैंड जो हैं वो आपको यहाँ पर चलती हैं, जिसे हम लू बोलते हैं। अब आपको साउथ वेस्ट मानसून के बारे में अगर हम देखें तो भाई ये आपका तीसरा मतलब सीज़न है जब जिसे हम बरसात बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि भाई टेम्परेचर जो है समर्स में इतना राइज़ हो जाता है, और लो प्रेशर जो बेल्ट है वो नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आपका शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या है कि जो हवाएं वो हैं अट्रैक्ट होती हैं यहाँ पर, तो फ्रॉम दी सदर्न हेमिस्फीयर एंटर्स इंडिया एज दी साउथ वेस्ट मानसून। तो भाई साउथ वेस्ट मानसून में जो है वो मतलब एज अ साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर कर जाती हैं वाली हवाएँ। अब इसकी ब्रांच होती हैं कि भाई इंडिया, जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है, देखिए अगर हम यहाँ पर जो है कि अगर एक मैप बनाते हैं मान लीजिए इंडिया का, तो देखिए ये क्या है कि भाई ये आपका इंडिया का मैप मान लीजिए। अब देखिए भाई यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है अरेबियन सी से, जैसे कि हम पढ़ते हैं, ये आपका जून जुलाई में आपका एंटर करता है यहाँ से, और इसकी एक दूसरी ब्रांच होती है जिसे हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इस पॉइंट पर जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये वाले पूरे तिब्बत वाला रीजन है, तो यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अब ये ओशियन से आ रही हैं, ओशियन से आ रही हैं तो क्या मॉइस्चर लेके आ रही हैं, मॉइस्चर लेके आ रही हैं, तो फिर यहाँ से आते आते यहाँ पर ये बारिश करती हैं ओवर दी आपका इंडियन पेनिनसुला और जो भी नॉर्दर्न वाला पार्ट है। यूपी वाले पार्ट में आप देखेंगे कि भाई जो बीओवी वाला जो आपका ब्रांच है वहाँ से भी हवाएं अट्रैक्ट हो रही हैं, तो यूपी में जो है वो बीओवी वाली ब्रांच जो है वो ज़्यादा बारिश लाती है। इतना आपने जान लिया, यही आपका सिंपल बेसिकली अगर आपको मानसून समझना है तो इतनी सी बात आपको आनी चाहिए समझ कि भाई जब गर्मियों में आपका ये वाला प्लेटी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो हाई प्रेशर से हवाएं जो है लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी और वो मॉइस्चर अपने साथ लेके आती हैं, यही आपका मानसून है। और रिट्रीटिंग मानसून की अगर हम बात करेंगे तो भाई बाय द एंड ऑफ सेप्टेम्बर लो प्रेशर जोन जो है वो जो आपका शिफ्ट होना मतलब स्टार्ट हो जाता है गंजेटिक प्लेन से, ठीक है, वो आपका कहाँ की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या है कि भाई आपका रिट्रीटिंग टाइम पर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो ये वाले रीजन में आपको बारिश देखने के लिए मिलती है। तो ये आपका जो है क्लाइमेट वाला पार्ट था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन बेसिकली आपको जो क्लासिफिकेशन है वो आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से यूपी में हमने क्लासिफिकेशन की है, और ये आपके सीजन्स हो गए। तो आई होप गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूपी से रिलेटेड इरीगेशन जो है और उसके जो सोर्सेज हैं और जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।